दोस्तों, यदि आप मोदी जी की पोस्ट देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने पोस्ट में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जिक्र किया है। स्वाभाविक है कि ऐसे में आप इस कन्वेंशन सेंटर की खासियतों के बारे में जानना चाहते होंगे। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक वाराणसी के सिगरा में इस रुद्राक्ष सेंटर को जापान के सहयोग से बनाया गया है। इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है ये। इस कन्वेंशन सेंटर को 108 रुद्राक्ष के दाने, जो कि स्टील के हैं, से स्थापित किया गया है और इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। यह पर्यावरण के अनुकूल इमारत है। क्यों बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और संगीत समारोह और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाया गया है। सुनने में आया है कि इस गैलरी को वाराणसी की कला, संस्कृति और संगीत को चित्रित करने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया है। रुद्राक्ष सेंटर नाम क्यों रखा गया है? चूँकि शिव जी को रुद्राक्ष प्रिय था। वाराणसी में स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।